दोस्तों, अगर आपने नरूटो देख लिया है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर आपने नहीं देखा है नरूटो तो मैं किस लिए बैठा हूँ? स्पॉइलर अलर्ट, इसके अंदर ढेर सारे स्पॉइलर्स हो सकते हैं। अगर आपने नरूटो नहीं देखा है तो अपने रिस्क पे देखो। और आप अगर मेरे जैसे हो जिसे स्पॉइलर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वेलकम इन द गैंग। आज मैं आपको ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके बिना शायद नरूटो वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, मैं आपको चाक्रा कंसेप्ट बताऊँगा। चक्र हमारे ही संस्कृत शब्द चक्र से लिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है व्हील, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सर्कुलर मोशन में घूमे। चक्र को इस्तेमाल करने के लिए आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन दोनों को कंबाइंड करने से ही बनता है चक्र। आप इस इमेज में देख सकते हो जिसे काकाशी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बॉडी एनर्जी मिक्स होती है तभी चक्र प्रोड्यूस होता है। सालों की ट्रेनिंग और मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी एनर्जी और मेंटल एनर्जी को बढ़ा सकते हो, पर ये भी एक हद तक ही बढ़ती है। चक्र को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस्तेमाल करने होते हैं हैंड साइंस, और हैंड साइंस कई तरीके होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो, और नरूटो सीरीज में चक्र को 5 डिफरेंट नेचर्स या फिर एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कातुन यानी फायर, फूतुन यानी विंड, राइतुन यानी लाइटनिंग, दोतुन यानी अर्थ, और स्वेतुन यानी वाटर। इन सबसे भी हटके एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं कैकेगेनकाय। कैकेगेनकाय वो चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन एक क्लैन में पास होती जा रही हो। और ऐसे कई सारे एग्जांपल हम सीरीज में पहले भी कई बार देख चुके हैं, जैसे उचिहा क्लैन की शारिंगान, ये भी एक कैकेगेनकाय है, और हाकू की आइस मिरर टेक्निक, ये भी एक कैकेगेनकाय है। और ये महाश है, इनकी स्पेशल कैकेगेनकाय टेक्निक है, ये अपनी बोन को एक्सटेंड करके बाहर निकाल किसी को मार सकते हैं। पर कैकेगेनकाय का असली मतलब होता है दो नेचर को मिलाकर एक नया ही नेचर डिस्कवर करना। सालों की ट्रेनिंग से आप कितने ही नेचर को आप मास्टर कर सकते हो, पर उन्हें मिलाना इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। सब एग्जांपल की तरह दे सकते हो, जैसे वाटर और अर्थ को मिलाने से बनती है वुड रिलीज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हाजिरामा शेंजू, जिसे हम गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी जानते हैं। और आप चक्र को तब तक नहीं दे सकते जब तक वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, और या फिर आपके पास ब्याकुगान हो युगा क्लैन की। चक्र एक स्पेशल पाथवे पर ट्रैवल करता है, जो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। और इस चक्र के फ्लो को 8 गेट्स कंट्रोल करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और आप चक्र के यूज़ से गेंजुत्सु और निंजुत्सु जैसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे जैसे हम सीरीज़ में आए गए, हमें पता चला कि सेंजुत्सु नाम की भी कोई चीज़ होती है, यानी सेज पावर। सेंजुत्सु का मतलब होता है दी वन विथ नेचर, और सेंजुत्सु आपकी बॉडी में प्रेजेंट ना होकर आपके आसपास नेचर में प्रेजेंट होता है। आप नेचर एनर्जी को अपने अंदर सोख के उसको इस्तेमाल करते हो। और सेज मोड को परफॉर्म करने के लिए आपको आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बॉडी एनर्जी को कंबाइन करना पड़ता है प्रॉपरली नेचर एनर्जी के साथ। और अगर आप इन सब को ठीक से कंबाइन नहीं कर पाए तो आपका चेहरा या तो एक फ्रॉग जैसा हो जाएगा या तो एक स्नेक जैसा हो जाएगा। यह आपके सेज मोड पर डिपेंड करता है। ये एक अलग ही टॉपिक है, मैं इसे किसी दिन किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मुझे लगता है आप चक्र कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए